बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। हमको इसके सारे एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। तो पहले बात करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में। वो कैसे निकलेगा, वाई की हाईएस्ट डिग्री टर्म जो भी है इस इक्वेशन में उसके कोफिशियंट को 0 करते हैं। तो वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म वाई स्क्वायर यहाँ पे, वाई स्क्वायर यहाँ पे, इसका कोफिशियंट x और इसका कोफिशियंट प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू कितना आया माइनस 1। ये मिल गया हमको पहला एसिम्प्टोट्स। फिर बात करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। तो x का हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे x स्क्वायर और बस वहाँ पे एक ही टर्म मिला, तो यहाँ से क्या मिला हमको y इज इक्वल टू 0। ये क्या मिल गया हमको, दूसरा एसिम्प्टोट्स। लेकिन देखो कर्व का हाईएस्ट डिग्री 3 है तो हमको क्या मिलना चाहिए, 3 एसिम्प्टोट्स मिलने चाहिए। तो क्या करते हैं, तीसरा हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालते हैं फाई 3 यम करके। वो क्या होगा, यहाँ पे पुट करो तो ये मिलेगा यम, और यहाँ पे पुट करोगे तो यम स्क्वायर, बस इतना ही मिलने वाला है। करो क्या, इसको इक्वल टू 0 करके यम का वैल्यू निकालो। तो मतलब क्या, यम प्लस यम स्क्वायर इक्वल टू 0 करो तो यहाँ से यम कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा, 1 प्लस यम मिलेगा। ठीक है, तो 1 प्लस यम मिला इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, यम इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, यम इक्वल टू माइनस 1। अब करते क्या है, सी निकाल लेते हैं। तो देखो यम अलग अलग है तो सी कैसे निकलेगा, माइनस फाई टू यम अपान फाई डैश थ्री यम इज इक्वल टू 0 कर, इक्वल टू 0 करके। ठीक है, तो देखो फाई डैश थ्री यम मतलब 3 डिग्री वाले टर्म ये है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस नीचे क्या आएगा 1 प्लस 2 यम मिलेगा, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर फाई टू यम मतलब 2 डिग्री वाले टर्म। 2 डिग्री वाले टर्म कौन सा है आपका, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री बस। ठीक है, तो इसमें करोगे तो क्या मिलेगा, यम मिलेगा, और इसमें पुट करोगे क्या तो यहाँ पे यम स्क्वायर मिलेगा, यम स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यम का वैल्यू पहले 0 रखोगे तो ऊपर 0 बनेगा और 0 और नीचे क्या बनेगा, 1 बचेगा, मतलब क्या 0 आने वाला है। यम का वैल्यू माइनस 1 करोगे, यम का वैल्यू माइनस 1 करोगे तो वहां से भी क्या मिलेगा, माइनस 1 और प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 1। तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 0, ऊपर 0 फिर भी नीचे कुछ भी आए कोई मतलब नहीं, मतलब उसका वैल्यू भी 0 आने वाला है, मतलब दोनों केस में सी आपके 0 आने वाले हैं। तो क्या करो, पुट करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पहले क्या है, m का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू 0 और c का वैल्यू भी 0 आया तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि हमने पहले से लिख रखा है। तो इसको तो छोड़ दो क्योंकि हमने एक बार लिख लिया है y इक्वल टू 0। अब क्या करो, y m इक्वल टू माइनस 1 लो और इसे इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू माइनस x मिलेगा। ये आ गया हमारे पास तीसरा एसिम्प्टोट्स 1 2 3। इसको और लेफ्ट में लाओ तो क्या बन जाएगा, y प्लस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, नोट कर लो।